हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप? आज बहुत टाइम बाद आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए ऐसा पेज दिखा रखा हूँ जिसे आप कहरवे में या भोजपुरी में या पंजाबी सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं आपको थोड़ा बजा के दिखाता हूँ, फिर आपको मैं उसकी सारी प्रोग्रामिंग बताऊंगा कि मैंने कैसे बजाया है। ओके, आगे प्रॉब्लम बताता हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर सेटिंग कैसे करी है, उसका पेज हमने कैसे बनाया। ठीक है, इसका एफएक्स रखा हमने, यानी एफएक्स टाइप रखा हमने इसका 20, एफएक्स टाइम रखा 10, और बाकी सेटिंग्स भी हैं पिचेस की 15 करना। बाकी सेटिंग्स के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल चलते हैं पेज की ओर कि पेज में हमने क्या सेटिंग कर रखी है। ओके, पहले खाने में हाइस है S02 की, इसका हमने लेवल रखा है 11, पिच रखी हमने 4, डीके रखा है 20, पैन का सेंटर क्रॉप रखा है इसका IP4, एफ एक्सटेंड इसका रहेगा 11, दूसरे ऑक्टेव में रखा हमने L30, इसका लेवल रहेगा 7, पिच रहेगी इसकी 2, डीके रहेगा इसका 20, पैन इसका सेंटर और क्रॉप रहेगा इसका IP4, एफ एक्स का 1 रहेगा। तीसरा ऑक्टेव में रखा हमने हाइस, हाइस इसका लेवल है 10 और इसकी पिच है 1, डी के इसका है 29, पेन इसका है सेंटर, क्रॉस का IP4 और एफ एक्स इसका है 10। चौथे ऑक्टेव में, यानी चौथे ऑक्टेव में हमने रखा है किक B47 की, B47 की रखी, इसका लेवल है 7, पिच इसकी है 0, डी के इसका 31 है, पैन इसका सेंटर, क्रॉस का IP4, एफ एक्स एंड इसका 0। पांचवे ऑक्टम में हमने रखा है L30, L30 इसकी पिच है, सॉरी इसका लेवल है 8, इसकी पिच है 2, इसका डी के है 31, पैन इसका है सेंटर, क्रॉस का है IP4, एफ एक्स एंड इसका है 0। छठे ऑक्टम में हमने रखा है हाइस H02, इसका लेवल है 6, पिच इसकी है 3, डी के इसका है 31, पैन इसका है सेंटर, क्रॉस का है IP4, एफ एक्स एंड इसका 11 है। सातवें ऑक्टम में हमने रखा है हाइस, वही हाइस जो पहले रखी थी H02 की, इसका लेवल हमने रखा है 10, पिच रखा है इसका 0, डी के इसका 31, पेन इसका रखा है सेंटर और क्रब रखा है इसका AP4, एफ एक्सटेंड इसका 8 रखा है। अब आठवें ऑक्टम में हमने रखा है, यानी लास्ट वाले ऑक्टम में हमने रखा है इसमें B47 की किक, इसका लेवल है 8, पिच इसकी 0, डी के इसका 31 और पेन इसका है सेंटर, क्रॉस का AP4, एफ एक्स इसका 0। अब देखते हैं कि हमने बैंक बी में क्या बना रखा है, क्या सेटिंग कर रखी है। ठीक है, अब देखते हैं बैंक बी में क्या कर रखा हमने। बैंक बी में हमने पहले ऑक्टेव में रखा I20, इसका लेवल है 9, इसकी पिच है 17, इसका डी के है 25, पेन इसका सेंटर, क्रॉप इसका AP4, एफ एक्स एंड इसका 0। दूसरे ऑक्टेव में रखा हमने E22, इसका लेवल है 8, इसके पीछे 1, इसका डी के है 15, पेन इसका है सेंटर, क्रॉप इसका AP4, एफ एक्स एंड इसका 0। तीसरे ऑक्टेव में हमने रखा है I20, वही I20 जो पहले रखा था हमने। फ़र्क इतना होता है कि इसकी पिच हम आगे कर सकते हैं और पिच बढ़ा सकते हैं, यही फ़र्क होता है। देखिए, इसका लेवल किया हमने 10, पिच हमने किया इसका 0, डी के इसका रखा हमने 31, पैन इसका रखा हमने सेंटर, क्रॉप AP4 और एफ एक्स इसका 0। अब पांचवे ऑक्टम में हमने रखा है L30, इसका लेवल है 9,
इसकी पीछे 12, इसका डी का 25, पेन इसका है सेंटर, क्रॉस इसका है EP4, एफ एक्स एंड इसका 0 रहेगा। सातवें यानी छठे ऑक्टम में हमने कुछ रखा नहीं है, ये ब्लैंक है। ओके, इसको इसको आप ब्लैंक ही रहने दीजिएगा। आते हैं सातवें ऑक्टम पे। सातवें ऑक्टम में हमने रखा है I20, इसका लेवल है 0, पिच इसकी है 20, डी के इसका 31, पेन इसका सेंटर, क्रॉस EP4, एफ एक्स एंड इसका 8 रहेगा। आते हैं लास्ट ऑक्टम पे यानी आठवें ऑक्टम पे। ओके, आठवें ऑक्टम पे हमने रखा है I20 और लेवल इसका 0, पिच इसकी है 17, डी के इसका 31, पेन इसका सेंटर, क्रॉस इसका AP4, एफ एक्स एंड इसका 10 रहेगा। देखिए होता यह है सबकी जो सेम I20 इसमें भी था, I20 यहाँ भी था, यहाँ भी था। फर्क इतना है कि इसकी हमने पिच बढ़ा रखी है और इसकी हमने पिच घटा रखी है, होता सब एक सही है। अब दिखाते हैं आपको कि इस पेज को कैसे बजाएं डीले में भी और विदाउट डीले में भी। इसको मैं आपको बजा के दिखाता हूँ, ठीक है? चलिए इसको आपको बजा के दिखाते हैं। पहले बजाते हैं विदाउट डीले में, फिर बजाएंगे डीले के साथ कि कैसे बजता है, ठीक है? देखते हैं। ये था विदाउट डिले में और विदाउट इफेक्ट में, और डालते थे इफेक्ट, देखते कैसा बजता है, ठीक है? ये था हमारा आज का पेज। अगर पसंद लगे तो आपको, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ नोटिफिकेशन घंटी बजाना। इससे आपको अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ न्यू, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगी वो, ठीक है? ओके, फिलहाल के लिए बाय बाय दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मुझे बताना कि कैसी लगी, अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ नोटिफिकेशन घंटी जरूर दबाना। इससे क्या होगा, अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, और हाँ मैं आपको आपके सामने मैं फोक पैटर्न भी लेकर आऊँगा और आपको फोक पैटर्न के बारे में बताऊँगा कि किस तरह से पेज बनते हैं, किस तरह से पेज बनाने पड़ते हैं और किस तरह से उसे प्ले करते हैं। चैतवाल से लेकर मधुरी से लेकर कोई भी कुमाऊनी प्रोग्राम है, गढ़वाली कुमाऊनी कोई सा भी है, मैं आपको वो पेज बताऊंगा। और मुझे अपना ऐसी प्यार देते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।